इन्फ्लेशन मतलब फ्लोज एंड सेंटिमेंट ये सब चीजों का मिश्रण होता है और हमेशा मार्केट जो सेल ऑफ आता है मार्केट हमेशा माइक्रो से बॉटम आउट होते हैं और हमेशा माइक्रो सेल ऑफ आता है हुँ. अब आपको ये समझना है सेलिंग क्यों आ रही है हुँ. और क्या सेलिंग बढ़ सकती है शार? देखिए जब बॉन्ड बॉन्डिल्स हिस्टोरिकली मैंने देखी जब कोविड पॉइंट्स पर आती है एक की दो होती हैं जब दो की तीन होती है तीन की चार होती हैं पिछले कोविड कोविड में बॉन्डिल्स एक परसेंट के नीचे थे यूएस के एक की दो हुई मार्केट इग्नोर करा दो तो की तीन हुए मार्केट में एक बार एडजस्टमेंट आया तीन की चार हुई अब देखिए एफ का इक्कीस टू थाउजेंड में बड़ा सेल नंबर आ रहा था बहुत बाईस के अंदर भी सेल नंबर उनका था तेईस में कुछ आकर के जब बॉन्ड बॉन्डिल्स नीचे आने लगी तो ठीक हुआ अब पाँच हो गई हैं पांच साइकोलॉजिकली अगारथम्स होती हैं okay. अलगारथम्स जब ट्रेड करती हैं तो अगवारथम रिस्क मैनेजमेंट करती हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सेलिंग हो रही है उस सेलिंग की वजह से निफ्टी के अंदर हमने आज ब्रेकडाउन देखा जिसकी वजह से सेलिंग और ज़्यादा बढ़ रही है क्या कुछ नया इस मार्केट ने डिस्कवर करा है कि जिसकी वजह से सेलिंग आनी चाहिए जी नहीं मगर मार्केट के अंदर कुछ की टेक्निकल लेवल्स ऊपर नीचे हुए हैं जिसकी वजह से कंपल्सिव सेलिंग आती है ये सेलिंग जो है रिस्क मैनेजमेंट की सेलिंग है यह जो सेलिंग है मुझे लगता है कंपल्सिव सेलिंग है तीसरा जो मुझे अच्छा इस समय नहीं लग रहा है वो मार्केट गुड न्यूज़ को इग्नोर कर रहा है बैड न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है ओके भाई बॉन्डीड फोर पॉइंट नाइन की जब फाइव हुई टेक्निकली फर्क नहीं पड़ता है मगर मार्केट नोटिस करके बेच रहा है जो नतीजे अच्छे आए थे मुझे लगता है एच बैंक के नतीजे अच्छे थे mm -hmm. मुझे लगता है कि इंडस्टैंड बैंक के नतीजे अच्छे थे मुझे कुछ खामी नहीं दिखी आई बैंक के नतीजों में और फॉर दैट मैटर एच के नतीजों में mm -hmm. फिर भी मार्केट उन्हें पनिश कर रहा है तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि मार्केट इज इन अ सेल द गुड न्यूज मोड दूसरा है तीसरा ट्रिगर क्या है लोकल मार्केट में भी ट्रिगर क्या है तो इस समय मार्केट धराशाई नहीं हुआ है मगर सा खूब सारे आम हैं और जोर से आंधी आती है तो क्या होता है जो कच्चे होते हैं पेड़ जो वो हिल जाते हैं और जो ओवर राइप होते हैं वो गिर जाते हैं तो कच्चे होते हैं मेरे हिसाब से जो वीक ट्रेडर्स है निकलेंगे कुछ होते होती है वो थी वो नीचे आ जाएंगी। तो जब मार्केट में शेकआउट आता है तो हमेशा हम देखते हैं ऊंचा उच, होता है अब आप प्रियम आपका सवाल करता हूँ डिम्पी जी है नही है हाँ डिम्पी हाँ, हाँ, जी कैसे हो भाई हम देखिए आम की बात कर रहे थे आतिशबाजी दशहरे के दिन दिवाली में होती है आतिशबाजी मार्केट में आज हो गई मैं क्या बोल सकता हूँ हाँ किसी कुछ कुछ वैसे हो रहा है सर निकुल सर आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिवाली से पहले आतिशबाजी हो रही है मार्केट के अंदर और ये नेगेटिव आतिश सर क्या है ना ये रॉकेट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया है देखो जब मैं छोटा था ना डिम्पी जी तो जब रामलीला yes, जाता था तो जब वहाँ पर आतिशबाजी होती थी तो मैं कान को ही बंद कर लेता था तो इस करेक्शन के अंदर भी क्या करना हमें चाहिए हमें कान में उंगली लगा करके इसको इग्नोर करना चाहिए हमें इसलिए इग्नोर करना चाहिए बिकॉज इस करेक्शन के अंदर जब हम हमारे कान खोलेंगे हमें बेटर वैल्यूशन मिलेंगी हमें अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे और जो मार्केट में एक्सेस हो चुका था वह हो चुका था तो इस समय आ चुका है लॉजिकली आपको यह पूछना चाहिए कि भाई आप शेयर बाजार में अगर डे ट्रेडिंग के लिए आए थे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो ट्रेंड इस समय घूम गया है अगर आपकी मीडियम टर्म पोजिशन है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म अगर आप आ, आप हैं तो कान बंद कर लीजिए इस करेक्शन को इग्नोर करिए है ना डिम्पी जी सही है ना देखो कान बंद कर लो एकदम बिल्कुल सर आप बात ठीक कह रहे हैं क्योंकि वो अप्रोच ही अलग अलग है तो स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेडर्स वाली बात है कि उनके लिए लेवल्स का गेम है जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स एडजस्टमेंट्स लेकिन ना निकुल सर मेरे को एक और चीज़ भी पता करनी है ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या ये कुछ उन लोगों के लिए जो टिपिकली जिन्होंने भी कान बंद करने हैं या कान बंद करके बैठे हैं या करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या उनके लिए अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से मंदी में माल अगर माल बेचा तो एक अपॉर्चुनिटी मिस जरूर आप करेंगे ये बात मैं जरूर बता सकता हूँ तो ये इस समय एक देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट में हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं मैटर नहीं करता मगर गिरावट में हम हमारी लॉन्ग पोजिशन हमें कमिटमेंट लेवल्स को कैसे डील करते हैं वह भी मैटर करता है अगर आप डर के मारे पंद्रह परसेंट कैश रेज कर लिया आपने डर के मारे आपने जी अपनी सारी लॉन्ग पोजिशंस काट दी तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस ज़रूर कर रहे हैं मगर स्पेसिफिकली आपने अगर बात करी थी किन क्षेत्रों पर नजर रखनी चाहिए मुझे लगता है बैंक्स वापस आएंगे बैंक्स में मुझे कुछ यू नो गड़बड़ नहीं दिख रही है मुझे लगता है लोअर लेवल्स में इस समय आपको फार्मा स्टॉक्स लेने चाहिए मैं पहली बार इंडिया स्वदेश पर बोल रहा हूँ फार्मा क्षेत्र फार्मा कंपनीज काफ़ी दिनों के बाद बिकॉज मेरा यह मानना है कि फार्मा तीन चार साल से एक प्रकार के बेयर मार्केट में गए हैं कोविड के बाद वैल्यूशन वहाँ अट्रैक्टिव हो चुकी है ये जेनेरिक प्राइसिंग इस समय ठीक हो रही है उनके अंदर विजिबिलिटी अच्छी आने को दिख रही है तो टॉप चार पाँच फार्मा कंपनियाँ पर नज़र रखिए इस गिरावट पे उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा इस गिरावट के अंदर आपको मिड कैप स्पेशली टू डिजिट स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए भले वो कितने गिर जाएं तीसरा इस मार्केट के अंदर आईटी को ख़रीदने की जल्दी ना करें मगर प्राइवेट बैंक्स में नज़र ज़रूर रखें तो फार्मा और प्राइवेट बैंक्स मुझे दो अच्छे लगते हैं जहाँ मुझे लगता है कि जब भी मार्केट स्टेबल होगा द नेक्स्ट सेक्टर कुड बी फार्मा एंड द डेक्स बिग मूव कुड कम फ्रॉम बैंक्स छोटा सा सवाल आपसे और आपसे और उसका जवाब जानना चाहेंगे अगर किसी को मान लीजिए नई एंट्री करनी हो किसी को अपॉर्चुनिटी तलाशनी हो तो क्या एक नवंबर जब फेड की पॉलिसी आएगी उसका वेट कर लें क्या अभिषेक यह यह निर्भर करता है कि आप कितना टाइम फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अगले पंद्रह बीस दिन का व्यू लेना चाहते हैं तो शायद ज़रूरी है कि फेड की मीटिंग आप देखें फेड की मीटिंग के बाद मेरा यह भी मानना है कि आपको दिवाली तक का वेट करना चाहिए बिकॉज मार्केट में अक्सर हम देखते हैं सिक्लिकालिटी देखने को मिलती है दिवाली के आसपास तो फेड को लेकर के व्यू नहीं बनाना चाहिए मगर आप पंद्रह बीस दिन का व्यू बनाना चाहते हैं तो इवेंट रिस्क आपको हमेशा नलीफाई कर देना चाहिए अगले पंद्रह बीस दिन में हो सकता है कि हमें यूथ को लेकर भी कि कुछ यू नो क्लैरिटी देखने को मिले मगर मुझे यह लगता है अभिषेक डिम्पी प्रियंका की बुल मार्केट करेक्शन है बुल मार्केट करेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बड़ा फास्ट होता है जी वो जोरदार धमाकेदार मगर जब तक आप रियलाइज करेंगे जी बुल मार्केट करेक्शन करेक्शन आ चुका करेक्शन खत्म भी हो जाता है 2021 के बाद या 2021 की कोविड रिकवरी के बाद इस मार्केट में ऐसा नहीं करेक्शन नहीं आया मगर करेक्शन शॉर्ट शॉर्टलिफ्ट रहे करेक्शन छोटे रहे हैं और उस करेक्शंस को अगर आपने उसमें पैनिक नहीं करा आपने अपनी लॉन्ग पोजिशन नहीं काटी आपने अपने म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं कराए सो यू इमोज एज विनर तो ये समय आ हाँ चुका है कि भाई अब आप एक गाड़ी की कुश्ती बांध लीजिए अगर आप सीट बेल्ट फांसी सीट बेल्ट जिसे हम कहते हैं और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं फिर बोलूँगा जब मैं रामलीला जाता था तो वहाँ पर जब अक्सर जो ना आतिशबाजी होती थी तो मैं हमेशा कान बंद कर लिया करता था तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वही करना चाहिए कान बंद कर लीजिए बट सर निकुल सर एक और चीज़ भी है इस मार्केट के अंदर जो रिटेलर का पार्टिसिपेशन है और टिपिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है जहाँ वो बहुत बढ़िया रिटर्न इंजॉय करके आए हुए हैं उनके लिए लेसन क्या है इस तरह का फॉल का और उनको भी क्या करना चाहिए डिपी देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर की चढ़ावट नीचे की गिरावट हमेशा आती है अगर आप पिछले एक साल में आप किसी भी स्टॉक को निकाल के देखें तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है अगर आप आज के सेल ऑफ़ के बाद भी देखें तो मेरा है मानना है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर करिए पिछले बावन हफ़्तों में मिड कैप इंडेक्स अभी भी भैया पच्चीस ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे हिसाब से पिछले बावन हफ़्ते में चालीस परसेंट ऊपर है तो पैनिक की बात नहीं है डिम्पी जी देखिए क्या होता है जब हजार रुपये की चीज बारह सौ होती है बारह सौ की ग्यारह होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि जब हमने परचेस करी थी पाँच सौ रुपये मिली थी तो अगर आपने कोई भी स्टॉक में निवेश करा है जिसमें आपको अभी संदेह लग रहा है आपको लग रहा है कि आपने एक सिप आपने एक टिप ली है बिकॉज आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बताया तो उन स्टॉक्स में मत रहिए जहां आप 15 से 20 परसेंट डाउन सेट टॉलरेट कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि आने वाला समय अर्निंग्स के लिए अच्छा रहेगा जहां आप थोड़ी पेशेंस रख सकते हैं तो आई थिंक उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए जी हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कुछ अगले दिन की ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड आई थिंक टूडे हैज़ गॉट चैलेंजड इन द शॉर्ट टर्म राइट तो बहुत बहुत शुक्रिया निकुंजी सारा हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो बस...